Hello and welcome back, students. Today I am going to deliver my second lecture on accountancy for plus one class. First lecture was on bookkeeping system. What is bookkeeping? What is the process of bookkeeping? Bookkeeping ki hundi hai, us the process ki hai, us the features ki ne. Aaj assi apne next lecture de andar dekhna hai ki accounting ki hundi hai. Aur assi bookkeeping di study dauran eh dekhya si ki bookkeeping ek art hai transactions nu record karan di. वो हेल्प करती है ता जो अकाउंटिंग परफॉर्म की जा सके, मतलब उतों ही सानू एस्टीमेट होया सी कि अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो बुककीपिंग दी हेल्प दे नाल बनाया जाता है। बट अकाउंटिंग की है, क्यों बनाई जाती है, ये अपना अज का टॉपिक है। देखते हैं आप इस दे बारे। अकाउंटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंसिस विद बुककीपिंग, ये अपना अज का टॉपिक है। मीनिंग देखिए, सी अकाउंटिंग इज नैक्सट स्टैप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम। बुक कीपिंग सिस्टम जिथे कंप्लीट होंगे उतों अकाउंटिंग जी है स्टार्ट होएगी। सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज एबल टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, बट इट इज़ अनएबल टू फाइंड आउट रिजल्ट्स एंड फाइनैशियल पोजिशन ऑफ आर बिजनेस। देखो, ये असी जो असी बुक कीपिंग द सिस्टम परफॉर्म किया, असी उत्थे ही ये चीज़ अंडरस्टैंड की कि बुककीपिंग द सिस्टम सिर्फ रिकॉर्ड करन दे काम आंदा है। इट इज़ अ प्रोसैस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन सैपरेट सैट ऑफ बुक्स। उन्हां दे अंदर असी ट्रांजैक्शन नूं रिकॉर्ड किवें करना है, ये सानू बुककीपिंग ने दस्या। बट उस तो बाद जदों असी ये देखिया कि ट्रायल बैलेंस बन गया, उत्थे बुककीपिंग द प्रोसैस खत्म हो गया। उत्थे असी सिर्फ ट्रांजैक्शन नूं रिकॉर्ड किया, असी डे बाय डे ट्रांजैक्शन नूं रिकॉर्ड कर रहे हैं और असी अकाउंटिंग उस तो बाद परफॉर्म करनी है। जदों असी इन्हां दीआं डेफिनेशंस देख लांगे, पढ़ लांगे, उस तो बाद सानूं इह वी पता लगेगा कि एक लैवल तक अकाउंटिंग ते बुककीपिंग सेम है। तो फिर क्या कल्ली अकाउंटिंग बनाउण नाल काम नहीं सी सरदा, फिर बुककीपिंग क्यों अलग तो बनाई गई? बेसिकली एक काम ऐसा है जो पूरा साल चलता है, थ्रू आउट डे बाय डे चलता है, और एक काम ऐसा जिहड़ा कि जदों साल एंड हो जाता है उदों स्टार्ट हुंदा है। सो इस करके की कीता गया, पूरी अकाउंटिंग दे प्रोसैस नूं दो पार्ट दे विच डिवाइड कर दिता गया। एक पार्ट का नाम रखा गया बुक कीपिंग, बुक्स नूं बनाना, मेनटेन करना। और डेली बेसिस दे उपर बुक्स बनाई जांदियां, डे बाय डे ट्रांजैक्शन दे बेस दे उपर बुक्स बनाई जांदियां, अलग अलग सैट ऑफ बुक्स जिहड़ियां ने उहदे विच ट्रांजैक्शनस नूं रिकॉर्ड अप किया जाता। रिकॉर्ड करन दा एक सिस्टम बनिया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशनस बने और सानू वो फॉलो करने पे बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शनस। जिवें एक छोटा जिहा बनिया कि तुसीं ट्रांजैक्शन नूं उदों तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जदों तक वह फाइनैंशियल करैक्टर दी नहीं होएगी, जदों तक उस दे नाल कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया जाता जो कि उस ट्रांजैक्शन दे होण दा प्रूफ होएगा। ठीक है जी, पर असी ट्रांजैक्शनस नूं सिर्फ रिकॉर्ड कर देंगे, पर इह सानूं किवें पता लगेगा फिर कि साडे बिजनेस दा प्रॉफिट लॉस किन्ना है? इहदे लई सानू की करना पिया, उस तो अगला स्टैप जिहड़ा है फॉलो करना पिया, जिसनों असी अकाउंटिंग कहने। सो जिथे बुक कीपिंग खत्म हुई, इस करके साडे कोल एक वर्ड लिखा गया कि अकाउंटिंग इज़ द नैक्सट स्टैप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बुक कीपिंग। जिथे बुक कीपिंग का प्रोसैस खत्म हुंदा, उस तो बाद अकाउंटिंग जिहड़ी है वह स्टार्ट हुंदी है। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम विच इज़ यूज्ड, देखो हुण इस सिस्टम नूं यूज़ क्यों किया जाता है, टू फाइंड आउट द फाइनैंशियल रिजल्ट और चैक द फाइनैंशियल पोजिशन ऑफ आर बिजनेस, कि बिजनेस दे रिजल्ट मीनस कि बिजनेस का प्रॉफिट लॉस की है, साडा रिजल्ट की आता या पास या फेल, बिजनेस का रिजल्ट की आऊगा या प्रॉफिट या लॉस आऊगा, और पोजिशन का मतलब की है। जिवें असीं कह दिंदे आ कि किसी बंदे दी मार्केट च पोजिशन बड़ी खराब है, वो खराब पोजिशन किवें हुंदी है कि उहदे कोल जो अपना है, जो उहदियां संपत्तियां सी, उहदे कोल जिवें कि कैश है, उहदा घर है, उहदे कोल कार है, तां उह चीज़ां वेच के भी उहदियां जो देनदारियां ने मार्केट च, उहदियां लाइबिलिटीज़ है, उहनूं उह पूरा नहीं कर सकदा, तां असीं उसनूं की कहा कि उहदी पोजिशन जिहड़ी है उह की होगी, हुण खराब होगी। लेकिन उह पोजिशन नूं चैक कीता जांदा है, बिजनेस उह पोजिशन अपनी हर साल चैक करदा है। बिजनेस किवें चैक करता है, वह भी अपनी एसेट्स मीनस
ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਲੈਂਡ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮਸ਼ੀਨ, ਸਟਾਕ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਵਾਰਡ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਬੈਠੀ ਆ ਪਬਲਿਕ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਇੰਟਰਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜੋ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਟੂ ਚੈੱਕ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਔਨ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ 1-2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 3 'ਚ ਵੇਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੂਗੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫਾਇੰਡ ਕਰਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਫਾਇੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਨੂੰ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਦੀ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਡੇਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰਪ੍ਰਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਇਟ ਆਊਟ, ਦਾ ਟੋਟਲ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ। ਦੇਖੋ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਸੀ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ। ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਟ ਹੈ। ਰੂਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਕਲਾਸੀਫਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਜ਼ਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲੈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਸਟਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖਾਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੈਜ਼ਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਹਰੇਕ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਜ਼ਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ 'ਚ ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਪੇਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਨ ਅ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਮੈਨਰ। ਇਨ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਮੈਨਰ ਮੀਨਸ ਅ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਮੈਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਨੀ ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਈਵੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਨੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ।
दूसरी पार्टी इस दे अंदर नहीं होंदी। जिवें कि असी डेप्रीसीएशन लगाने अपनी एसेट के उपर, डेप्रीसीएशन का मीनिंग की हुंदा है कि एक टाइम पाउण दे नाल जां एसेट नूं लगातार यूज़ करन दे नाल उहदी वैल्यू डाउन हो जाती है। उस डाउनफॉल नूं, उस लॉस नूं असी अपने किताबों दे विच रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक तरीके नाल, तां उस डाउनफॉल नूं ही डेप्रीसीएशन कहा जाता है। हुण देखो उहदे अंदर मेरी एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, मैं उस डाउनफॉल नूं रिकॉर्ड कर रहा किताबों के अंदर, ये होर कोई पार्टी इनवॉल्व नहीं है, मैं जो डाउनफॉल है वह मैं किसी को पे नहीं कर रहा, मतलब इतने सिर्फ एक पार्टी इनवॉल्व है जिसनों असी बिजनेस ही कहांगे। ठीक है जी, सो असी उस लॉस नूं रिकॉर्ड करना। इतने की है ट्रांजैक्शन ते इवेंट्स नूं रिकॉर्ड किया जाता है जेडे कि फाइनैंशियल करैक्टर दे आ, और जदों असी रिजल्ट्स नूं फाइंड आउट कर लिया तो उस रिजल्ट नूं हुण एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करन दा मतलब की है कि असी ये देखते हैं कि जो प्रॉफिट होया लॉस होया क्यों होया, ते असी फिर की करते हैं उस दे विच इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब उस दे विच असी यूजफुल इनफॉर्मेशन जिहड़ी है उसनों असी बाहर कढ लैंदे हां, वह यूजफुल इनफॉर्मेशन जिहड़ी है असी अपने डिफरेंट यूजर्स दे नाल शेयर कर दिंदे हां। सो इत्थे अकाउंटेंट का जो मेन बेसिक काम है वह एनालिसिस करना ते इंटरप्रिटेशन करनी, और वो इंटरप्रिट जिहड़ी इनफॉर्मेशन है वो कंज्यूमर नूं अगे, जां असी कह दिए कि यूजर्स नूं, डिफरेंट यूजर्स नूं, कंज्यूमर इज़ अ पार्ट ऑफ यूजर, उन्हां नूं शेयर कर देनी। देखो इत्थे शेयर करन तो मतलब ये नहीं है कि असी अपनी इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, नहीं, उन्हां नूं जिहड़ी इनफॉर्मेशन चाहीदी है असी वो यूजर नूं प्रोवाइड कर रहे हैं। जिवें कि टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि अपने 4 साल का रिकॉर्ड सानू प्रेजेंट करो, तो 4 साल का रिकॉर्ड असी उन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं। यूजर नूं ये चाहिए एक इन्वेस्टर जो है कि असी उस बिजनेस से प्रॉफिट जिहड़ा है लगावांगे अपना पैसा, जिस बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो अपवर्ड ट्रेंड दे विच है, तो असी उसनों की कर रहे हैं अपना प्रॉफिट 3-4-5 साल का जिहड़ा है शेयर कर रहे हैं अपनी इनफॉर्मेशन के अंदर, और हर एक चीज़ वैल्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट्स असी उत्थे शेयर कर रहे हैं कि जिस दे नाल कि यूजर इंप्रैस होवे और जिहड़ी अपनी मनी है वह साडे बिजनेस इन्वेस्ट करे। सो ये चीज़ां इस करके कीतियां जांदियां तां जो असी इनफॉर्मेशन जिहड़ी है वो नीडी यूजर्स तक पहुँचा सकी। हुण साडे कोल है नैक्सट कि एट सम लैवल, इत्थों आके थोड़ा जिहा एक्सप्लेन किया जाता है, एट सम लैवल प्रोसैस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज सेम। एक लैवल तक अकाउंटिंग ते बुक कीपिंग सेम है जो कि साडा ये क्लासीफाइंग दे लैवल तक आ जाता है, बट एट वन स्टेज वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स। एक लैवल फिर इत्थे आंदा जिथे बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, अकाउंटिंग उत्थों स्टार्ट हो जाती है। ओवरऑल प्रोसैस दे विच पहला पार्ट बुक कीपिंग दा है, नैक्सट पार्ट अकाउंटिंग दा है। अकाउंटिंग जिहड़ी है वह यूज़ की जाती है रिजल्ट्स नूं फाइंड आउट करन दे लई, रिजल्ट्स नूं एनालिसिस करन दे लई, रिजल्ट्स नूं इंटरप्रेट करके अपने यूजर्स दे नाल कम्यूनीकेट करन दे लई। लेकिन इत्थे साडे कोल एक नैक्सट टर्म आती है, दैट इज़ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी हुण की है? देखो बुक कीपिंग एक प्रोसैस आया साडे कोल, अकाउंटिंग आई, फिर अकाउंटेंसी आई। अकाउंटेंसी की है? अकाउंटेंसी इज़ अ स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज एंड कंटेन्स दोज रूल्स। देखो सिस्टमैटिक नॉलेज की एक स्टडी है, वह नॉलेज जिदे अंदर की है, वो अंदर है सारे दे सारे रूल्स, सारे दे सारे रेगुलेशन, प्रोसीजर, कंसैप्ट, प्रिंसीपल्स, टैक्नीक्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो सारे ये अंदर आ जाते हैं, विच आर टू बी अपलाइड इन द प्रोसैस ऑफ अकाउंटिंग। इन शॉर्ट अगर कहिए तो सारे दे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारिया गाइडलाइनस, सारे प्रिंसीपल्स, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसैप्ट ये अंडर आते हैं, जिसनों असी यूज़ करते हैं अकाउंटिंग नू परफॉर्म करन दे लई। अकाउंटिंग जो परफॉर्म है वो अकाउंटेंसी दे बेस ते कीती जांदी। देखो अकाउंटिंग की है? अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जैक्ट है जिदे अंदर असी एक चीज़ नू फाइंड आउट कर रहे हैं, बिजनेस दे रिजल्ट्स नू, बिजनेस दी पोजिशन नू चैक करना है। लेकिन अकाउंटेंसी की है? अकाउंटेंसी एक प्रक्रिया है, हाउ अकाउंटिंग परफॉर्म, अकाउंटिंग नू परफॉर्म किमें करना, ये चीज़ सानू कौन दस रहा? अकाउंटेंसी दस रही है। अकाउंटेंसी एक ब्रॉड कंसैप्ट है, देखो इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म दैट एक्ट एज अ गाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बुक्स।
किताबां असीं बनाउणियां किवें आ इहदे लई इह एक गाइड दा काम करदी है अकाउंटेंट बाय फॉलोइंग वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस जो किताबां अकाउंटेंट्स ने प्रिपेयर करनियां ने रूल्स एंड रेगुलेशंस नूं मन्नदे होए ये सारे प्रोसैस नूं असीं अकाउंटेंसी कहिंदे आ अकाउंटेंसी इज़ अ प्रोसैस एक प्रक्रिया है एक एक्टिविटी है अकाउंटिंग की है एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है जिहदे थ्रू असीं कुछ चीज़ां नूं फाइंड आउट करदे आ अकाउंटेंसी परफॉर्म करन दी प्रक्रिया नूं बोलिया जांदा है क्लीयर जी नैक्सट साढ़े को आ जाते हैं प्रोसैस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसैस के असी पहला आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस नूं जिमें कि असी बुककीपिंग के अंदर सीखा सी कि असी देखिया कि वाकई ट्रांजैक्शन हुई है असी आइडेंटिफाई किया फिर असी उसनों मैजर किया इन टर्म्स ऑफ मनी कि वह साढ़े बिजनेस नाल रिलेटड है उसनों पैसे दे विच मापिया जा सकता उसका एक मुल है ट्रांजैक्शन का नैक्सट असी देखिया कि रिकॉर्डिंग की जाती उन्होंने ट्रांजैक्शन की सैपरेट सैट ऑफ बुक्स के अंदर रिकॉर्डिंग जर्नल के थ्रू की जाएगी डे बुक सेल बुक परचेज बुक के रिकॉर्डिंग की जाएगी सिस्टमैटिक मैनर के रिकॉर्ड किया जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किया जाएगा डेट वाइज रिकॉर्डिंग उसकी कहने का मतलब कि की जाऊगी रिकॉर्डिंग करन तो बाद असं उसनों समराइज़ कर दें रिकॉर्डिंग के अंदर ही वो लैजर बन जाते हैं उस तो बाद समरी तैयार करन का की मतलब कि इत्थे असीं अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है बिजनेस के रिजल्ट्स नूं फाइंड आउट करन लई प्रॉफिट लॉस नूं फाइंड आउट करन लई बैलेंस शीट बनाई जाती है बिजनेस की फाइनैंशियल पोजिशन नूं चैक करन दे लई फाइनैंशियल पोजिशन असीं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके वी की हुंदी है उस तो बाद असीं जो रिजल्ट निकले उसनों असीं एनालिसिस करने हैं उहदे एनालाइज़ करना उसनों एनालाइज़ करन दा की मतलब है एनालाइज़ द स्ट्रेंथ एनालाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस ये असी एनालाइज़ करना है कि साढ़े स्ट्रोंग पॉइंट्स केड़े आ और साढ़े वीक पॉइंट केड़े आ ते वैदर बिजनेस अर्नस एडिकुएट प्रॉफिट और नॉट क्या बिजनेस जिहड़ा है वो एडिकुएट प्रॉफिट एडिकुएसी दा इत्थे असी की अंदाजा लगावांगे देखो एडिकुएसी दा अंदाजा यह हुंदा एडिकुएट दा मतलब है कि क्या बिजनेस आपां नूं सही प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा वो सही वर्ड जिहड़ा है वो साडे लई की पैरामीटर रखदा है जिवें असी यह कह दिंदे आ कि एक जिहड़ा बिजनेस दे विच असी 20 लाख 50 लाख रुपया लगाया जेकर असी उही पैसा किसी बैंक दे विच FD करा देंदे तां उत्थे सानू जिहड़ा है 6% 7% पैसा मिल जांदा अगर असी 20 लाख नूं 7% दे उपर दिंदे आ तां अप्रोक्सली जिहड़ा है साडे कोल 1,40,000 रुपया पूरे साल दा हो गया कंपाउंड लगावांगे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कि क्या साडा बिजनेस सानू 1,40,000 दे आस पास प्रॉफिट दे रहा यह साडा एक एसटीमेट है बिजनेस साडा उस तो उपर दऊगा तो ठीक नीचे दऊगा तो सानू बिजनेस करन दा कोई फायदा नहीं है तो क्या साडा बिजनेस एडिकुएट मतलब सही प्रॉफिट साडे एसटीमेट दे बराबर सानू दे रहा कि नहीं दे रहा सो ये असी एनालाइज़ करते हैं एनालाइज़ करन तो बाद असी इंटरप्रिटेशन करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बिजनेस रिजल्ट्स नूं असी इंटरप्रैट करना है इंटरप्रैट करन दा मतलब कि उसनों इस तरह जांचया परख्या जांदा है कि उहदे विच्चों असी मीनिंगफुल कंकलूजन नूं ड्रॉ करना है बाहर कढ़ना है और वो कंकलूजन साडे लई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है जो असी अपनी मैनेजमेंट नाल शेयर करनी है जो असी अपने डिफरेंट यूजर्स दे नाल शेयर करनी है शेयर करन दे प्रोसैस नूं लास्ट प्रोसैस लिखिया कम्यूनीकेशन कम्यूनीकेट करना किस दे नाल करना है इंटरप्रेटेड इन्फॉर्मेशन विद द डिफरेंट यूजर्स सो दैट दे मे एबल टू टेक डिसीजन वो यूजर जो कि गवर्नमेंट हो सकती है स्टूडेंट्स हो सकते हैं रिसर्चर हो सकते हैं मीडिया हो सकती है कस्टमर हो सकते हैं इंप्लॉइज हो सकते हैं टैक्स अथॉरिटी हो सकती है गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट अथॉरिटीज़ हो सकती हैं ठीक है जी सो इन्हों भी जरूरत पैंती है साड़ी इन्फॉर्मेशन की सो असी यह सारी इन्फॉर्मेशन इन तक शेयर करनी है उस तो बाद साढ़े आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव देखो असी अकाउंटिंग क्यों परफॉर्म करते हैं असी बुककीपिंग क्यों परफॉर्म करते हैं इन्हों के ऑब्जेक्टिव की होंगे यही साड़ी इंपॉर्टेंस है यही साड़े एडवांटेजेस हैं अगर मैं इन शॉर्ट कहाँ कि तुसी किताबां क्यों लगाई हुई ने तुसी नोटबुक्स क्यों लगाई हुई हैं ता जो असी सारा रिकॉर्ड उन्होंने मेनटेन कर सकी लोंग पीरियड तक वो साढ़े को रहे फिर असी अपने बिजनेस के रिजल्ट चैक करते हैं फिर साढ़े पेपर होंगे असी वो पेपर के साढ़े किन्ने मार्क्स आए
एक साल दे विच साढ़े दो बार तीन बार जिहड़े कंडीशनल एग्जाम हो जाते हैं सो दैट सानूं पता होवे कि असी किस स्टेज पर खड़े हाँ फाइनल दे विच किन्ने असी मार्क्स लैने उहदे लई सानूं किन्नी मेहनत करन दी जरूरत है। ये सारिया चीज़ा बिजनेस दे विच भी कीतियां जांदियां जिवें असी अपने आप नूं टाइम टू टाइम जज करते हैं एनालिसिस करते हैं अपनी स्टडी का उस तरह बिजनेस भी एनालाइज करता अपने आप नूं लेकिन उन्हों एनालाइज करन दा एक सिस्टम बनाया गया बुक कीपिंग ते अकाउंटिंग वो सिस्टम दा नाम है। हुण इहदे सिस्टम दे की ऑब्जेक्ट है कि बिजनेस दे विच इस नूं क्यों परफॉर्म किया जाता है। देखो फस्ट है कि टू रिप्लेस द ह्यूमन मैमरी। बिजनेस दे विच अकाउंटिंग परफॉर्म करन दा मकसद ये है कि जो ह्यूमन मैमरी है ये पूरे साल दीयां ट्रांजैक्शनस नूं याद नहीं रख सकती असी ट्रांजैक्शनस भुल जाएंगे जो ट्रांजैक्शन ही भुल गए तो साडा एक्यूरेट प्रॉफिट लॉस सानूं नहीं पता लगेगा। तो उस सिस्टम रिप्लेस किया गया कि सानूं याद रखने की लोड़ नहीं हुण असीं सारियां चीज़ां एक सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड कीतियां जो कि साडे कोल कई साल तक रिटेन रहणगियां। सो इस करके ह्यूमन मैमरी क्योंकि अनेबल है टू रिमैंबर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शनस फॉर अ लोंग पीरियड सो अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम विच हैल्प टू मेनटेन रिकॉर्ड्स फॉर अ लोंग टाइम पीरियड। इहदा नैक्सट पॉइंट बनिया टू मेनटेन द बिजनेस ट्रांजैक्शन वह ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड जिहड़ा है उन्हें मेनटेन करन दे लई भी अकाउंटिंग साडी हैल्प करती है। ओबियसली जिथे असी पहला पॉइंट छड्डिया उत्थों असी दूजा पॉइंट फड़ लिया पॉइंट चों ही पॉइंट निकल रहा ह्यूमन मैमरी की रिप्लेसमेंट है कि उन्होंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया तो एक ऑटोमैटिकली बंच ऑफ रिकॉर्ड जिहड़ा साडे कोल तैयार हो गया जिहड़ा कि साडे कोल कई साल तक मेनटेन रहूगा। टू फाइंड आउट द फाइनैंशियल रिजल्ट एंड फाइनैंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस यही अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट सी क्यों परफॉर्म की गई क्योंकि असी बिजनेस के एंड रिजल्ट फाइंड आउट करना प्रॉफिट या लॉस नू फाइंड आउट करना बिजनेस की फाइनैंशियल पोजिशन फाइंड आउट करना कि साडे कोल एसेट्स किनिया ने साडे कोल लाइबिलिटीज किनिया ने उसनों असी चैक करते हैं अकाउंटिंग प्रोसैस के थ्रू। टू प्रिवेंट फ्रॉड्स हर एक ट्रांजैक्शन जो अकाउंटिंग बुक कीपिंग रिकॉर्ड की जाती है उस ट्रांजैक्शन का एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक प्रूफ उहदे नाल लग्या होना जरूरी है चाहे वह प्रूफ एक बिल हो सकता है वह कुछ भी हो सकता है जिवें असी कह दिंदे आ कि असी किसी बस दे विच सफ़र करके आए और ऑफिस दे विच असी वह किराया जिहड़ा है वह असी उन्हां तों वापस लैणा तो सानूं उत्थे की शो करना पऊगा टिकट शो करनी पऊगी और टिकट साढ़े लिए की है एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि असी वाकई ये खर्चा किया। सो अकाउंटिंग जिहड़ी है उहदे अंदर कोई भी ट्रांजैक्शनस उदों तक रिकॉर्ड नहीं की जा सकती जब तक उस ट्रांजैक्शन का एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उहदे नाल लग्या नहीं है। सो इस करके जेकर हरेक प्रूफ उहदे नाल लग्या होगा तो उत्थे असी किस चीज़ तो प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉड तो कि कोई ऐसी जाली ट्रांजैक्शन उहदे अंदर रिकॉर्ड नहीं की गई जिस ट्रांजैक्शन का कोई प्रूफ ही नहीं है। सो इस करके अकाउंटिंग हैल्प करती है फ्रॉड नूं प्रिवेंट करन दे लई। नैक्सट पॉइंट है साडा टू प्रोवाइड इनफॉर्मेशन टू द यूजर्स डिफरेंट यूजर जिहड़े हैगे असी गल करके हटाना दी कि वह रिसर्च मीडिया है वह कस्टमर है ठीक है वह सारा कुछ असी उन्होंने इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो जो इनफॉर्मेशन उन्होंने चाहिए है जिस इनफॉर्मेशन के बेस पर उन्होंने डिसीजन लेने इन्वेस्टर ने यह डिसीजन लेना कि उसने पैसा किस बिजनेस लगाना जिस का प्रॉफिट अच्छा होगा पैसा उस लगाऊगा तो प्रॉफिट के रिगार्डिंग साड़ी फाइनैंशियल पोजिशन के रिगार्डिंग इनफॉर्मेशन चाहिए है। रिसर्च मीडिया ने लिखना कि पूरे साल के अंदर कि इंडस्ट्री जी है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उन्होंने भी साड़ी इनफॉर्मेशन की लड़ है। कस्टमर को जरूरत है कि कहड़ा नवा प्रोडक्ट आ रहा कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आ क्या अगले साल तो साढ़े प्रोडक्ट के प्राइसिस डाउन होंगे या अप होंगे। इंप्लॉइज़ को जरूरत है वो इस करके स्टडी करते हैं कि उन्होंने अपना फ्यूचर देखना क्या इस कंपनी के अंदर उन्होंने फ्यूचर अच्छा है क्या उन्होंने डिवेलपमेंट की कोई चांस है क्या उन्होंने सैलरीज वधन दे कोई चांस है तो इस करके स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि रिसर्चर के तौर के उपर वो साड़ी इनफॉर्मेशन स्टडी करते हैं देखते हैं कि इनफॉर्मेशन बनती किमें है शो किमें की जाती है या इस कंपनी का बैकग्राउंड की है टाइम टू टाइम इस कंपनी का की डिवेलपमेंट सी बैंक नूं चाहिए ता कि वह सानू लोन प्रोवाइड कर सके टैक्स अथॉरिटी नूं चाहिए रिकॉर्ड ता जो साडे उपर टैक्स असैसमेंट की जा सके
सो ये साढ़े डिफरेंट यूजर्स है जिन्हों साडा रिकॉर्ड जिहड़ा है टाइम टू टाइम चाहिए और बिजनेस जिहड़ा है ये टाइम उसनू रिकॉर्ड प्रोवाइड करता टाइमली विद द हैल्प ऑफ अकाउंटिंग ही रिकॉर्ड प्रोवाइड किया जा सकता। नैक्सट पॉइंट है साडा टू एनेबल इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन देखो कंपैरिजन का मतलब है एक दूजे नाल कंपेयर करना। इंट्रा फर्म कंपैरिजन दो तरीके नाल किए जा सकते हैं, एक इंट्रा फर्म किया जाता एक इंटर फर्म किया होंगे। इंटर फर्म का मतलब है असी अपने आप को किसी होर फर्म के नाल कंपेयर कर रहे हैं। इंट्रा फर्म का मतलब होंगे कि असी अपने आप नाल अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब असी अपना कंपैरिजन अपने लास्ट ईयर के रिकॉर्ड नाल कर रहे हैं। जिमें असी कह सकते हैं ईजीली कि तुसी टेंथ दे विच तुहाडे जिन्ने मार्क्स आए आ तुसी उहदे नाल अपने हुण वाले मार्क्स नूं कंपेयर करना, परसेंटेज वधी घटी कित्थे कमी रही, असी ज़्यादा पढ़ गए तो होर ज़्यादा पढ़ीए, ठीक है। सो इस करके कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन कंपैरिजन उदों ही पॉसीबल है जदों अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड हो गए। तो रिकॉर्ड सानू प्रोवाइड कौन करेगा, वो अकाउंटिंग करेगी। सो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है कि इंट्रा फर्म कंपैरिजन प्रोवाइड करवाना। नैक्सट है एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। देखो एविडेंस होंगे एक प्रूफ, एक सबूत के तौर के उपर भी असी पेश कर सकते हैं, जिमें कि कोई भी ट्रांजैक्शन विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। तो अगर कोई सानू ये कह दे कि पेमेंट ही नहीं दिती गई, असी ऑलरेडी पेमेंट दे चुके हैं, असी जदों पेमेंट दिती तो असी उस तो किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करवाए होंगे, वो डॉक्यूमेंट साड़ी ट्रांजैक्शन के नाल लग्या होएगा, तो असी डॉक्यूमेंट नू कोर्ट दे विच एक प्रूफ के तौर पर पेश कर सकते हैं। टैक्स अथॉरिटीज़ ये कह देंदियां टैक्स नहीं भरिया, साढ़े को टैक्स दे रिकॉर्ड पे आ जो कि शो करते हैं कि असी टैक्स भरिया होया, तो असी वो डॉक्यूमेंट्स जिहड़े है कोर्ट दे विच पेश कर सकते हैं। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जिहड़ा है उहदे अंदर लगे हुए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट साड़ी हैल्प करते हैं कि असी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उन्हां नू एज आ एविडेंस के तौर के उपर पेश कर सकते हैं। नैक्सट पॉइंट है साडा वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग हैल्प करती है साडे बिजनेस की वैल्यूएशन करन दे लई, क्योंकि हर चीज़ सिस्टमैटिक तरीके नाल रिकॉर्ड है। बिल्डिंग की कॉस्ट उहदे अंदर रिकॉर्ड है, मटीरियल की कॉस्ट रिकॉर्ड है, उहदे अंदर जिन्ना भी साडा स्टॉक पिया होगा उहदी वैल्यू रिकॉर्ड है, उस तो बिना असी लोगों तो किन्ने पैसे लेने आ उहदे अंदर रिकॉर्ड किए हुए आ, असी लोगों नूं किन्ने किन्ने पैसे देने आ उहदे अंदर रिकॉर्ड किए हुए आ। सो प्लस माइनस करन तो बाद सानू पता लगेगा एग्जैक्ट मेरे बिजनेस की वैल्यू किन्नी है, सो दैट अगर मैं उसनू वेचना चाहा तो मैं किन्ने पैसे जिहड़े है बायर तो लवा। क्लीयर जी, इस करके अकाउंटिंग हैल्प करती है साड़ियाँ ऑल एसेट्स नू ऑल लाइबिलिटीज़ नू रिकॉर्ड करके साडे बिजनेस की एग्जैक्ट वैल्यूएशन करन विच साड़ी हैल्प करती है। नैक्सट पॉइंट है टू एस्टैबलिश इफेक्टिव कंट्रोल। देखो कंट्रोल किवें लगदे आ, अगर असी पॉलिसियां बनाउणियां, अगर असी प्लानिंग करनी है फ्यूचर दी, अगर असी बजट तैयार करने आ, तां इह चीज़ां लई सानू साडे पुराने रिकॉर्ड चाहीदे होणगे। अगर बेसिकली देखो जो पॉलिसीज़ बनाई जांदी है, जो बजट बनाए जांदे आ, दीज आर द कंट्रोलिंग टैक्नीक्स, कि कंट्रोल किवें कीता जांदा है ये उहदियां टैक्नीक्स ने। देखो बजट का मतलब कि असी इस साल का पूरा खर्चा देख लिया कि ज़्यादा हो गया, आउट ऑफ फोकस चला गया, स्टैंडर्ड तो बायआउट चला गया, तो असी की करांगे अगली बार बजट होर तरीके नाल बनावांगे। सो इस करके कंट्रोल नूं एस्टैबलिश करन दे लई जो डाटा सानू चाहिदा वो डाटा सानू कित्थों मिलेगा, बुक कीपिंग जां अकाउंटिंग तो ही मिलेगा। मैनेजीरियल परसोनल रिक्वायर्ड प्रीवियस रिकॉर्ड एंड रिजल्ट्स फॉर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसीज मेकिंग। बजट्स तैयार करन दे लई जिन्ना सानू रिकॉर्ड चाहिदा वो सानू अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। नैक्सट पॉइंट है टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कॉस्ट कितनी है, देखो कॉस्ट का मतलब की है कि साडा टोटल जिहड़ी स्पेंडिंग है वह कितनी है। जदों असी हर चीज़ नूं रिकॉर्ड कर रहे हैं, असी खर्चा नूं रिकॉर्ड कर रहे हैं, असी एसेट्स बाय कीतियां उन्हां नूं भी रिकॉर्ड कर रहे हैं सिस्टमैटिक तरीके नाल, सो एग्जैक्ट सानूं पता है कि असी पूरे साल के अंदर स्पेंडिंग कितनी कीती है। सो सानूं मनी स्पेंड के बारे पता, असी उसनूं रिकॉर्ड किया होया, सो की पता लग्या असरटेन द टोटल बिजनेस कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, सानू ये बारे भी पता लगेगा विद द हैल्प ऑफ अकाउंटिंग। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट्स अथॉरिटीज़।
ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਲੋਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਓਬਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਓਬਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਬ੍ਰੇਕੇਬਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੋਪ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਂਗ ਕਰਨਾ ਸਮਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਰੋਡਰ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਰੋਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਓਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇੱਥੇ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੋਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਅ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ ਬਜਟਸ ਬਣਾ ਸਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੈਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ
ट्रेडिंग अकाउंट ते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है फाइनैंशियल रिजल्ट नूं फाइंड आउट करने वास्ते, ते बैलेंस शीट जिहड़ी है वह बनाई जाती है फाइनैंशियल पोजिशन चैक करने वास्ते। ये अकाउंटिंग की एक्टिविटी है। इत्थे तक साडा पूरा टॉपिक है कि अकाउंटिंग की हुंदी है, अकाउंटिंग का प्रोसैस की है, ये ऑब्जेक्टिव की है, और बुककीपिंग ते अकाउंटिंग दोनों दे विच डिफरेंस की है। होपफुली सारा टॉपिक आपां समझ आया होगा, और जे फिर भी इस दे अंदर कोई डाउट है तुसी कमेंट करके मैनू दस सकते हो जी। थैंक यू।